Hello, friends. My name is Sapan Parikh. I'm a chartered accountant and cost accountant. We have three branches of our coaching classes, two in Kandivali East, that is near station, and Thakur Village. And the third branch is in Kandivali West, Mahavir Nagar. In our endeavor to give the best to our students, we have prepared board solutions, video lectures of all the streams of BAF, BMS, BCom, and we will be uploading them regularly every day, at least one or two videos from henceforward. If you want regular updates, you are advised to like the channel and press the bell button so that you will come to know whenever we upload a new video. So today this video is about FY BAF Financial Management November 2016 solution. And this video will be in two parts, part one and part two, wherein I will cover all the solutions of the question. So the first question is an objective question. इसके answers हमने right hand side पे लिखे हुए हैं. अगर आपको किसी भी question में कुछ doubt है, तो आप comment section में डाल सकते हैं और हम उसका answer आपको बताएंगे detail में. 10th question में आपको समझाना चाहूँगा. If earning before tax is blank and tax rate is 20%, then earning after tax will be 1,60,000. तो 1,60,000 का 20% गलती से बच्चे लोग ले लेते हैं. तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है. अज्यूम करते हैं अगर अर्निंग बिफोर टैक्स 100 है तो 20 टैक्स होगा, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स 80 होगा. तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे कि आफ्टर टैक्स अगर 1,60,000 है तो बिफोर टैक्स कितना होगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2,00,000. तो ये फर्स्ट ए है जो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन था. उसके बाद फर्स्ट बी विच इज अ मैच द कॉलम. इक्विटी शेयर कैपिटल एज यू नो उसमें फिक्स डिविडेंड नहीं होता है. सिंपल इंटरेस्ट इज अर्नड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट सो ऑन. अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज पुट इट अप एज अ कमेंट. विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व इट फॉर यू. अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू पे. मिस्टर रोहन हैज द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इन टू बैंक्स, बैंक वन एंड बैंक टू. अमाउंट इन्वेस्टेड इज 1,20,000 एंड 6,00,000 रिस्पेक्टिवली और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 एंड 12. नोट करिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट है और दोनों का पीरियड ऑफ इंटरेस्ट 3 ईयर्स है. सॉरी, पीरियड ऑफ डिपॉजिट 3 ईयर्स है. कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. तो इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे लिखा है ए इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 + i रेज टू n. पी इज द प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज इन्वेस्टेड, पी. i इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड 8%, एंड n इज पीरियड विच इज 3 ईयर्स. तो 1,20,000 इंटू 1 + 1.1. बच्चों प्लीज नोट करिएगा, 10% को अगर आप 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.1 आता है. सो 1 + 0.1 raised to 3. इन केस ऑफ बैंक 2 8% दिया है. यहाँ पे भी बच्चे काफी मिस्टेक करते हैं, 8% को 0.8 समझ लेते हैं, पर 8/100 करेंगे तो कैलसीपे करके देखेंगे तो इट इज 0.08. तो ये 1.1 का क्यूब जो आएगा उसको 1,20,000 से मल्टीप्लाई करने का. और एक डिस्क्लेमर, एक मिस्टेक जो बच्चे लोग नॉर्मली करते हैं, 1.1 इंटू 3 कर देते हैं. तो आपको कैलसी पे 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 करना है. जब वो आप करेंगे तो आपको मिलेगा 1.331 और फिर आप उसको 1,20,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा. सिमिलरली बैंक टू में करना है. तो इधर हमेशा आदत रखना है आपको दैट यू हैव टू राइट द आंसर एट द एंड. सो फ्यूचर वैल्यू ऑफ बैंक वन इज 1,59,000 एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ बैंक टू इज 7,55,000. ये काफी सिंपल क्वेश्चन था. क्वेश्चन टू का बी पार्ट है, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ₹10,000 रिसीव्ड एनुअली फॉर 5 ईयर्स व्हेन डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 10%. अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी फैक्टर का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, पर फॉर्मूला में काफी टाइम मिस्टेक हो जाता है बच्चों का, तो मैंने ये टेबल फॉर्म में किया है.
इनफ्लो हर साल का 10% लिया है। 10% इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये डिस्काउंटिंग फैक्टर हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये कैसे मिलेगा? सो वन डिवाइड बाय वन प्लस 10%, मतलब वन डिवाइड बाय 1.1, तो आपको मिल जाएगा 0.9091। इसको 1.1 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा, उसको 1.1 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा, सो ऑन। ये आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे। और एक मजे की बात बताऊं, इनफैक्ट ये फैक्टर्स नेक्स्ट क्वेश्चन में ही दिए गए। ये देखिए यहाँ पे ये फैक्टर्स दिए गए हैं 10% के, तो आप ये भी फैक्टर्स वहां पे यूज कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, हमने 4 डिजिट कैलकुलेट किया है और बोर्ड में क्वेश्चन में 3 डिजिट दिया था, तो राउंडिंग ऑफ की वजह से अगर प्रॉब्लम आएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट कैलकुलेशन। यहाँ पे अभी इनफ्लो 10,000 इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर करके ये प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी, और ये पांचों प्रेजेंट वैल्यू को अगर ऐड करते हैं तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी ऑफ 5 ईयर्स विल बी 37,000। इसका मतलब क्या है वो एक बार समझ लेते हैं कि अगर आपको किसी से 10 10 10 10 हज़ार 5 साल में लेने हैं, अथवा आपने कोई लोन लिया है और जिसका ईएमआई आपको पे करना है 10 10 10 हज़ार 5 साल में, हर साल में 1,000 10,000, तो अगर आपको तुरंत ही आज ही पूरा पैसा दे देना है तो आप 37,907 दे के वो लोन कंप्लीट कर सकते हैं। ये इस कॉन्सेप्ट का फायदा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। क्वेश्चन 3 पे जाते हैं फ्रेंड्स। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इन द फॉलोइंग 2 केसेस। नोट करिएगा, यहाँ पे 5ों साल का कैश फ्लो अलग अलग है। लास्ट क्वेश्चन में सेम था, केस 1 पे डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% लेना है, केस 2 में 12% लेना है। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर्स आपको ऑलरेडी दे दिए गए हैं, तो सिंपली जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, आपको कैश इनफ्लो और डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? 1 अपॉन 1 प्लस 0.12, तो 1 अपॉन 1.12 हो जाएगा जो ये मिलेगा। फिर ये गिनने के लिए इसको 1 अपॉन 1.12 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा। वैसे सारे फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर कैश इनफ्लो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। बच्चों प्लीज नोट करिएगा, दोनों के प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग हैं, और यहाँ पे वन लाइन आंसर हम लोग लिख देंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एट 10% और एट 12% क्या है। हमें सजेशन या इवैल्यूएशन करने को नहीं बोला है, हम सिर्फ आंसर लिख देंगे। ये ऑपरेटिंग लीवरेज का क्वेश्चन है जिसमें एनुअल सेल्स दिया गया है और 3 अलग अलग सिचुएशन दी गई है जिसमें अलग अलग फिक्स्ड कॉस्ट है। कंपनी हैज 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹1 लाख, मतलब कंपनी ने लोन लिया हुआ है डिबेंचर के रूप में, एंड द अमाउंट ऑफ लोन इज 1 लाख, जिसपे कंपनी हर साल 10%, मतलब 10,000 रुपया इंटरेस्ट पे करती है। तो ये हमने इधर कैलकुलेशन किया है, विच इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट विल गिव यू ईबीआईटी, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमें अर्निंग बिफोर टैक्स मिलेगा। यू आर एडवाइज स्टूडेंट्स टू राइट द आंसर इन द कॉलमिनर फॉर्म। अगर आप 3 क्वेश्चन वन आफ्टर द अदर बार बार करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाता है, आपको हर बार फॉर्मूला लिखनी पड़ती है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये ऐसे कॉलमिनर फॉर्म में 1 2 3 करेंगे, तो एक पर्टिकुलर्स के कॉलम में फॉर्मूला हमने एक बार लिख दी तो तीनों के लिए बार बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और पेपर चेकर के लिए, एग्जामिनर के लिए भी काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि उनको ये सारे आंसर्स बाय हार्ट होते हैं, तो इट विल बी इजियर फॉर देम ऑल्सो टू चेक द क्वेश्चन। तो ये ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है, विच इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूशन इज 2 लाख, ईबीआईटी इज 1.5 लाख। तो ये सिचुएशन 1 2 और 3 के आंसर मिलेंगे। फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज भी हम वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। कंबाइंड लिवरेज 2 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, एक ऑपरेटिंग इंटू फाइनेंस और दूसरा ये फॉर्मूला से। Part 2 में हम रिमेनिंग सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।